मेरे प्यारे संगीत ध्यान प्रेमियों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों, आप सबों को स्वामी शांति देव का हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आप सबों का हमारे इस ऑनलाइन योगा एंड मेडिटेशन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आइए क्लास का प्रारंभ करते हुए हम सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु का ध्यान। आप सभी इस तरह अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लें और हृदय के पास ले आए, दोनों हाथों को जोड़ कर रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे और आंखें बंद रखेंगे और तब गुरु का स्मरण करेंगे इन तीन मंत्रों के साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो आइए शुरू करें गुरु का स्मरण ध्यान। आंखें बंद कर लें, गुरु का स्मरण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। आप सभी इस मंत्र को दोहराएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी इस मंत्र को दोहराएं। संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आप सभी दोहराएं। धम्मं शरणं गच्छामि। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शांति शांति शांति। आइए अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले ओंकार साधना। और ओंकार साधना हम 5 मिनट करेंगे।
तो ये ज्ञान मुद्रा लगाकर सभी बैठ जाएं। तर्जनी और अंगूठे को आपस में जब हम सटाते हैं और तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं और इस तरह लगाकर अगर ऐसे दोनों घुटने पर इस हाथ को रखकर हम बैठ जाते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है। इसे हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इसलिए इस मुद्रा में हम ध्यान करते हैं। तो आइए ओमकार साधना करते हैं। हम सभी 5 मिनट ओमकार साधना करें। आंखें इसमें भी बंद रहेंगे और रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। मुझे देखना पड़ता है क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं कि आप किस तरह से कर रहे हैं। आप सभी ओंकार करते रहें और अपना माइक ऑफ रखें क्योंकि हमारी जो ओंकार की ध्वनि है उसके साथ आपको ओंकार नाद करना है। तो जब आप अपना माइक ऑन कर देते हैं तो साउंड डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत बच्चों की यह शिकायत आ रही है कि हमें ठीक से आपका साउंड सुनाई नहीं देता है। आवाज कटकट कर आती है और आवाज कटकट कर आने का एक ही कारण होता है कि जब मेरा माइक्रोफोन ऑन है मैं बोल रहा हूं तो उस समय आपका माइक्रोफोन ऑफ रहना चाहिए। अगर आप में से इस ग्रुप में कोई भी एक भी अगर माइक्रोफोन ऑन रखेंगे तो सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सभी को आवाज क्लियर नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज जब मैं कुछ आपको समझा रहा हूं या मैं नाद कर रहा हूं या मैं योगासन या मेडिटेशन या प्राणायाम जो भी कर रहा हूं और उसके लिए समझा रहा हूं उस समय आप अपना माइक ऑफ रखें ताकि आप ठीक ठीक मुझे सुन सके और मेरे निर्देशों को जो योगा के लिए मेडिटेशन के लिए होता है उसे आप समझ सके। तो आइए फिर से शुरू कर लें और सभी अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें और तब देखें बिल्कुल क्लियर आवाज आपको मिलेगी और उस आवाज के साथ आप वहां आवाज में आवाज मिलाएं और नाद करें। ओंकार नाद शुरू करें, आंखें बंद कर लें। ओ
शांति शांति शांति। ओम गुरुवे नमः। तो आइए ओंकार साधना के पश्चात अब हम योगासन करेंगे। तो योगासन में आज सबसे पहले हम जो आसन करने जा रहे हैं वो पसिमोत्तानासन है। ये देखिए, आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये है पसिमोत्तानासन, यहीं से आज शुरू करेंगे। आप सब अपना माइक्रोफोन ऑफ ही रखेंगे, अभी आप मुझे सुनेंगे और देखेंगे और फिर करेंगे। आपको अभ्यास करना है तो आपको सुनना है हमारा साउंड, हमारी आवाज, और देखना है कि हम किस तरह से आपको निर्देशित कर रहे हैं किसी भी आसन के लिए, तो उसको आप देखेंगे केवल। तो देखिए, ये दोनों हाथ ऐसे ऐसे पर पहले करें, फिर ऐसे ऊपर ले जाएं यहां, और ऊपर बिल्कुल सीधा कर दें हाथ, ठीक है। और इसके बाद अब झुकें, ये प्रक्रिया है, और अंगूठे को टच करें, ठीक है, और सर को जितना झुका सकते हैं झुकाएं। थोड़ी देर रुकें, फिर वापस अपनी इस स्थिति में आए। ये आसन की पूर्व स्थिति यही जाएगी कि आसन के पहले हम इस तरह बैठते हैं और फिर यहीं से हाथ को ऐसे ले जाते हुए दोनों तरफ से ऊपर कर लेते हैं। जब ऊपर पूरा सीधा हाथ हो जाए तो फिर झुकिए आप, और फिर टच करने की कोशिश करें दोनों अंगूठे को, ये जो पांव के दोनों अंगूठे हैं इसको, और फिर सर को जितना झुका सके झुकाएं। इस तरह फिर पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसे 5 बार दोहराना है, 2 बार हो चुका, 3 बार और दोहराएं। अब आप अगर अपना माइक्रोफोन ऑफ रखे हैं सभी, तो आप देख रहे होंगे मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आपको मिल रही होगी, तो आप मेरे निर्देशों को ठीक से समझते हुए और तब शुरू करें। 3 बार हो चुका, 2 बार और इस प्रयोग को करना है। Thank you.
ये है अर्ध पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन पूरा हुआ। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, ऐसे, और ऐसे दोनों हाथों पर ऐसे टिक जाएं, फिर दोनों पैरों के पंजों को आगे की ओर तान कर रखें, ऐसे ऐसे। फिर अपनी सांस को अंदर ले और सांस को अंदर भर के कमर को उठाना है, पीछे देखना है। ये है पिष्टतानासन। 5 सेकंड रुके, फिर वापस आ जाएं, ऐसे। इसे भी 5 बार दोहराएं। तो ये पिष्टतानासन, ये आसन पूरा हुआ। अब आइए हम करेंगे बक्रासन। अब ये बक्रासन में क्या करेंगे, देखिए, ये बाएं पैर को हम ऐसे ही रखेंगे, दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने से यहां सटा देंगे, और फिर दाएं हाथ को थोड़ा और पीछे करेंगे यहां, और इसके बाद बाएं हाथ को ये दाएं पैर से यहां सटाएंगे बाएं हाथ को, और देखेंगे दाएं हाथ को, पांच सेकंड रुकेंगे। ये है बक्रासन। इसके बाद अब फिर बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे, ऐसे उसके पंजे को, और दाएं हाथ से बाएं पैर को जैसे टच करेंगे नीचे, और बाएं हाथ को पीछे देखेंगे। हम इस समय बाएं हाथ को देख रहे हैं, और दाएं हाथ से बाएं पैर के एड़ी को या पैर के निचले भाग को टच कर रहे हैं। 5 सेकंड के बाद फिर इसे बदल लेंगे और उसी प्रकार इसे दोहराएंगे। Thank you.
इस तरह वक्रासन भी पूरा हुआ। अब आइए हम करेंगे चक्की आसन। देखिए चक्की आसन कैसे करते हैं, ये दोनों पंजों को आपस में जकड़ लें ऐसे, दोनों हाथों के उंगलियों को एक आपस में बिल्कुल फंसा लें ऐसे, और फिर इसको ऐसे बांध लें ठीक है, और फिर इन हाथों को ऐसे कर लें। अब इसे आप चक्की की तरफ घुमाएंगे, जैसे चक्की घुमाते हैं ऐसे, पहले दाएं से बाएं ऐसे एक वृत्त बनाएंगे, इसको कहते हैं चक्की आसन। अब बाएं से दाएं अपोजिट साइड घुमाएंगे, हो गया। तो ये चक्की आसन पूरा हुआ। अब आइए हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करें, तो यहीं से शुरू करें सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को थोड़ा फैला लें ऐसे, और फिर बाएं पैर को दाएं हाथ से इसके अंगूठे को ऐसे टच करें, और फिर दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से ऐसे टच करें, ये प्रक्रिया ही दोहराते रहते हैं ऐसा। देखिए हो गया। अब और भी प्रक्रिया है सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहें। आइए अब हम ऐसे बैठते हैं, आलती पालती लगा के आराम से बैठते हैं। ऐसा व्यायाम करें, दोनों हाथों को ऐसे चलाएं, ठीक है ऐसे
बस हो गया, अब कमर का व्यायाम करना है। अब उसके लिए इसको ऐसे ऐसे मूव करना है कमर को, तो जितना पीछे आप जा सके पीछे बाएं, और जितना इधर दाएं जा सके वो आप जाएं। ऐसे ऐसे मूव करें आराम से। तो इस तरह से ये कमर का व्यायाम है। और अब हम हाथों का व्यायाम करें। तो हाथ का व्यायाम, मुट्ठी बांधे जोर से, और अगर हो सके तो इसे क्रोध विसर्जन ध्यान की तरह करें, कि दांत को भी एक दूसरे पर बिठाकर आंखें बंद कर दोनों पांव के उंगलियों को सिकोड़ लेना है एक ही बार में, जैसे स्टार्ट। स्टॉप, पूरा फ्री कर देना है। स्टार्ट जब मैं कहूं तो पूरी ताकत लगा के उसको मुट्ठी बांध लेना, दांत पर दांत बिठा देना है, और पैर की उंगलियों को बिल्कुल ऐसे सिकोड़ लेना है। और जब मैं स्टॉप कहूं तो बिल्कुल छोड़ दो। तो स्टार्ट। स्टॉप, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम आराम है, छोड़ देना है। और इसे भी कम से कम 5 बार करें। इससे आपके भीतर जो निगेटिविटी होती है ना वो बाहर चली जाती है, और आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी, विधायक ऊर्जा जन्म लेती है, और विधायक एनर्जी से आप भर जाते हैं। तो इसलिए इसे हम क्रोध विसर्जन ध्यान भी कहते हैं। हम इस तरह से क्रोध विसर्जन भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा व्यायाम है हाथों का। अब अपने दोनों जोड़ों का, हाथ के जोड़ का व्यायाम करें। हाथों को ऐसे घुमाएं, पुल करें दोनों तरफ से। करें ये देखना नहीं है, यहां देखने का नहीं है, ये प्रयोग है। और प्रयोग है तो मेरे साथ आपको करना है, ये नहीं कि मैं कर रहा हूं और आप बैठ के देख रहे हैं। तो देखने के लिए तो बहुत सारे चीज टीवी पर मिल जाएंगे आपको, करने के लिए तो मिलते नहीं है। तो यहां मैं आपको प्रयोग में उतार रहा हूं, सीधे आपके घर तक मैं ऑनलाइन पहुंच रहा हूं, और आपको योगा एंड मेडिटेशन करा रहा हूं। ऐसा आप फील करें, आप यह मत फील करें कि मैं कहीं दूर बैठा हूं और आप कहीं दूर बैठे हैं और आपको केवल देखना है, कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप पूरा अर्थ दें इसको और पूरे मन से इसको करें तो आपको बहुत फायदा होगा। इस तरह से ये हाथ का व्यायाम हो गया आपका। अब आइए, अब हम थोड़ा गर्दन का व्यायाम करते हैं। हाँ,
ये ज्ञान मुद्रा आप लगा सकते हैं गर्दन के व्यायाम में और आंखों के व्यायाम में। आप ज्ञान मुद्रा लगा कर बैठ जाए ऐसे, ठीक है। और इस समय आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रीढ़ को केवल सीधा रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और गर्दन को तो और ढीला छोड़ दें ताकि वो आराम से जो है चारों तरफ घूम सके। समय आप आंख बंद भी रख सकते हैं, इस समय आंख खोलने की कोई आवश्यकता है। एक बार देख ले मुझे और फिर आंख बंद करके यह करें आप। क्योंकि समझने के लिए केवल आपको देखना है कि करेंगे कैसे, और करने वक्त में तो आप आंख बंद कर सकते हैं। इस तरह गर्दन में आवाज भी हो सकती है, वो फ्री होगा। गर्दन की जो हड्डी है ना वो भी लचीला होता है या फ्री होता है, इसमें कोई अकर आकर नहीं होता। दाएं बाएं भी उसको ऐसे कर दें, ऊपर नीचे भी कर दें और फिर लेकिन ऐसा करते समय आपको गर्दन में कोई तनाव नहीं देना है, बिल्कुल ढीला रखना है गर्दन को, तभी आप वैसा करें, ठीक है। तो अभी आपने गर्दन का व्यायाम कर लिया, अब आइए हम आंखों का व्यायाम करते हैं। अब ये आंख का व्यायाम मीन्स उसके वो जो आंख का जो डिंब है जिसको कहते हैं, तो आंखों की पुतलियों का, आंखों के डिंब का व्यायाम होता है। इससे आपकी आंखें मजबूत होती हैं, उसके एक एक तंतु मजबूत होते हैं और देखने की जो क्षमता है वह आपके आंख की इस ध्यान से बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आंखों का यह सूक्ष्म ध्यान। पहले हम दाएं से बाएं कर रहे हैं, और फिर बाएं से दाएं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे, कम से कम दो चार बार दोनों तरफ। हो गया, थोड़ी देर आंख बंद कर लेंगे और रिलैक्स छोड़ देंगे, आंख बिल्कुल ढीला छोड़ा, शांत बैठे रहे। ये दोनों भाव है ना, दोनों भाव के बीच है आज्ञा चक्र भीतर। उस आज्ञा चक्र पर हमें ध्यान देना है। जब आंख का आप सूक्ष्म व्यायाम कर लें तो आप आज्ञा चक्र यानी यहां ये है आपका आज्ञा चक्र, यहां ये जो है ये ठीक यहां, ये दोनों भावों के बीच यहां पर है आज्ञा चक्र, ठीक है।
तो इसी आज्ञा चक्र पर अंदर से आपको देखना है, उसी को कहते हैं आज्ञा चक्र का ध्यान। यहां आपको देखना है ठीक इस जगह, और आप चाहें थोड़ा सा उसको अंगूठा से ऐसे ऐसे उसकी मसाज भी कर दे सकते हैं थोड़ा, उससे आपका ये जो तीसरा नेत्र कहते हैं आज्ञा चक्र, ये तीसरा नेत्र है ये जागृत होता है, तो इंसान ज्ञान को उपलब्ध होता है। यही जब जागृत हो जाता है, कहते हैं शिव जब तीसरे नेत्र को खोलते हैं तो समझिए जगत में जो कुछ हो रहा है वो उनके सामने तो है ही, अब वो जो चाहे वह होता है, प्रलय चाहेंगे तो प्रलय हो जाएगा। तीसरा नेत्र खोलते ही वो जो भाव करेंगे वह होगा। इसका सेंस क्या हुआ कि आपका तीसरा नेत्र अगर जग जाए तो आप जो चाहो जो भाव करोगे उसका ध्यान करके वह घटित हो जाएगा। तो उसमें खतरा भी है, क्योंकि आपके भाव अगर दूषित हैं, गंदे हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर गलत भी हो जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपना वीडियो अभी और ऑडियो दोनों ऑफ रखें। अभी चूंकि मैं मेडिटेशन करवा रहा हूं तो इसलिए आप वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ रखें। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ऑफ करें वीडियो, ऑडियो भी ऑफ करें। जब मैं आपसे बात करना चाहूं और कुछ पूछूं तब आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो चालू रखें, लेकिन पिनअप मत करें, पिनअप मत करें। आप अंकित कौन है? आलोक कुमार, आप अपना पिन हटाइए तो वीडियो पर से अपना पिन हटाइए। आप आलोक कुमार सुन रहे हैं मुझे? सुन भी नहीं रहा है। यस सर, रजिस्टर कर रहा है आलोक कुमार। यस सर, क्या मेरी आवाज तुम सुन नहीं रहे हो? सुन रहा हूँ। बार बार तुम माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर रहे हो, इससे डिस्टर्ब होता है और विद्यार्थी और जो हमारे पेरेंट्स और शिक्षक अगर हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप ऐसा ना करें। तो आइए अब हम शुरू करेंगे प्राणायाम, ठीक है? तो प्राणायाम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग। तो आइए शुरू करते हैं लंबी और गहरी सांस लेना और छोड़ना। आंखें बंद रहेंगे,
20 बार लंबी और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। थोड़ी देर शांत चुपचाप बैठे रहें, अपनी आती जाती सांसों को देखते रहें। जागरूक रहे भीतर सांसों को देखते हुए। अब हम प्राणायाम की दूसरी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और वह है कपालभाति। आइए अब हम कपालभाति ध्यान करेंगे। इसमें हम सांस को बाहर फेंकने पर जोर देते हैं, लेने पर नहीं। तो केवल फेंकना है आपको, सांसों को बाहर उलीचना है, लेने का काम स्वयं ही शरीर कर लेता है, आपको नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति। आंखें बंद कर ले और तब सोचते हैं। इस तरह लगातार कम से कम इसे 5 मिनट करना है। लेकिन यहां हम केवल 2 मिनट कर रहे हैं।
खांसी आ सकती है उसकी चिंता न ले, करते रहें। अब हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। कपालभाति हो गया, अब शुरू करें अनुलोम विलोम। तो ये दो अंगुल का इसमें ख्याल कर रहे हैं, ये अंगूठा और बीच की अंगुली मध्य। तो अंगूठा से एक नाक को पहले हम दबा लें ऐसे, और फिर दूसरी नाक जो खुली है उससे सांस अंदर भरेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर अपोजिट दूसरे नाक से सांस बाहर फेंकेंगे, और फिर इसी नाक से सांस अंदर ले लेंगे। इसे दोहराते रहेंगे। आंखें बंद रखेंगे, से भी 2 मिनट कम से कम करेंगे। गया, अब हम थोड़ी देर विश्राम कर लें, सांसों को देखते हुए थोड़ा विश्राम में चले जाएं, आंखें बंद रखें। अब हम शुरू करेंगे फास्ट एंड डीप ब्रीथिंग, यानी लंबी और गहरी सांस लेकिन फास्ट, तेज और गहरी। इसमें लंबी नहीं, तेज और गहरी। तो तेज और गहरी सांस शुरू करेंगे, इसमें भी आप आंखें बंद रखेंगे और ज्ञान मुद्रा को आप तोड़ भी सकते हैं इस समय, क्योंकि हाथ से हमें इसमें थोड़ा सहयोग करना है। यह जो हम हाथ से ये पंख की तरह इसका इस्तेमाल दोनों हाथ का करते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये पंख की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब हम हाथ को ऐसे करते हैं तो मेरे भीतर हमारा फेफड़ा जो है ना फैल जाता है। तो वो फैलता है कब, जब सांस हम अंदर लेते हैं, पूरा भर लेते हैं फेफड़े में, तो फेफड़ा फैल जाता है, तो हम हाथों को ऐसा कर लेते हैं। तो फैलने में
और सांस को अंदर लेने में मदद मिल जाती है, हेल्प हो जाता है। और जब फिर हाथों को हम ऐसे सिकोड़ लेते हैं तो क्या होता है, हमारा फेफड़ा भी सिकुड़ता है और सांस पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है। तो उसमें जो भी गलत चीजें मेरे भीतर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो भी और कोई जहरीली कोई गैस जो हमें क्षति नुकसान पहुंचा सकते हो, या कोई गंदगी जो हमारे भीतर हमारे फेफड़े में जम जाती है जाकर वो फिक जाए बाहर, तो इसीलिए हम तेज और गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और इन दोनों हाथों से सहयोग करते हैं। इस बीच एक काम और होता है, जब हम दोनों हाथ को ऐसे पंख की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सांस की चोट है इसकी गहराई भी अधिक हो जाती है। यानी सांस हमारी फेफड़े तक ही सीमित नहीं होती, वह सांस की जो चोट है, फेफड़े में तो भरती ही है सांस, फिर सांस पेट तक जाती है नाभि तक, और ये नाभि को चोट करती है, हमारे नाभि को चोट करती है। और जब सांस जो अंदर जाती है और नाभि को चोट करती है तो नाभि के ठीक पीछे रीढ़ में, या नाभि केंद्र के ठीक पीछे रीढ़ का एक केंद्र है जिसे हम कुंडलनी कहते हैं। हमारे जीवन की सारी ऊर्जा इसी कुंडलनी चक्र में छिपा है और वहां ये जैसे सर्प कुंडल मारता है ना सर्प, वैसे कुंडल मार के वह हमारी जो एनर्जी है वह सुई हमारे जीवन की। बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल हम जीवन में करते हैं। यदि हमारा कुंडलनी चक्र का वह जागरण हो जाए और वहां से एनर्जी उत्पन्न होना शुरू हो जाए तो शरीर तो हमारा पक्षी की तरह हो जाएगा, हम पक्षी की तरह हो जाएं, और ये जो हाथ जो पंख हम पक्षी की तरह ऐसा अभी कर रहे हैं, यह वाकई में जब हम चलें तो पैर भी पक्षी की तरह हमारा उड़े और हम एकदम इतने हल्के हो जाएं, हमें इतनी एनर्जी है हमारे पास। हाँ, और शरीर को हम जैसे कि ले करके चले, हाँ, वह स्थिति हमारी हो सकती है अगर हमारा वह कुंडलनी चक्र जागृत हो जाए और वहां की सारी एनर्जी हमारे पूरे रोम रोम में फैल जाए और वह एनर्जी सहस्त्रार तक चली जाए। यहाँ जो सहस्त्रार है हमारा सहस्त्र दल कमल, वह खिल जाए यदि तो हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं थोड़ा सा आप डांस करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी जागृत होती है, वही कुंडलनी चक्र की एनर्जी जागृत होती है, थोड़ी सी यानी हिलती है वह, थोड़ा सा डांस करते हैं आप मजे से जब आनंद से विभोर होके तो आप कितने आनंदित होते हैं। आप ध्यान करें जब थोड़ा सा वह हिलता है तो आपका पूरा रोम रोम एकदम आनंद से भर जाता है। और अगर वह सुसुप्त कुंडलनी चक्र पर जो एनर्जी है वह जागृत हो जाए और पूरे अपने फन को पूरा फैला दे और वो उठकर सहस्त्रार की ओर चला जाए, कुंडलनी से यहां से सीधे उठ के और सहस्त्रार की ओर में वो ऊपर हमारे सहस्त्र दल कमल को खिला दे, वो शक्ति जाकर जागृत कर दे, तो क्या होगा जानते हैं, हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। हम वही नहीं रहेंगे, फिर बिल्कुल बदल जाएंगे, हम भगवत्ता स्वरूप हो जाएंगे, हम भगवान के रूप हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के अंदर भगवत्ता यानी भगवान की जो एनर्जी है वो कुंडलनी चक्र में छुपी है और वह सोई हो, उसे जागृत करना होता है। तो ये जो हम सांसों का चोट करते हैं उससे वो जागृत होता है, पूरा जागृत ना हो थोड़ा हिल भी जाए तो भी एनर्जी उत्पन्न होता है और वह एनर्जी स्वास्थ्यदायी है, हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, हमारे मन को
बिल्कुल स्वस्थ करता है और निर्मल करता है, और फिर हमारी चेतना को राइटेड करता है, यानी हम इनलाइटेंड हो सकते हैं उस एनर्जी से। तो आइए हम शुरू करते हैं फास्ट एंड डीप ब्रीथिंग स्टार्ट। इस समय शरीर पर आप बिल्कुल ही कोई ट्रेस ना डालें, शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ें, बिल्कुल इजी, यानी शरीर बिल्कुल सांसों पर जैसे झूले, झूलुआ बन जाए। शरीर सांसों पर झूल रहा है और आप झूल रहे हैं सांसों पर, ऐसा। हाँ, कहीं भी कोई अड़चन ना हो, शरीर में कोई अकर ना आए, कोई ट्रेस ना पड़े, नहीं तो वही आपको दर्द पैदा हो जाएगा और वहां दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए शरीर को फ्री छोड़ें और तब ये प्रक्रिया करें, बिल्कुल फ्री छोड़ के। पूरी तरह शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, माइंड को भी छोड़ दें। नो माइंड, नो थिंक, नो बॉडी, आप सांसों को लेकर बैठे रहें, साक्षी पूर्वक आप भीतर से अपने शरीर को और अपनी सांसों को, क्योंकि इस समय माइंड नो माइंड है, एनर्जी इतनी उत्पन्न हुई है, विचार खो गए, इस समय आपके भीतर कोई विचार नहीं है, एक शून्यता का बोध, एक शून्य। उस शून्य में आप अवस्थित हो जाएं, वहां प्रकाश की तरह कुछ भीतर उजाला सा अनुभव होगा, उसी को देखें भीतर, और उसके साथ साथ अपनी सांसों को भी देखते रहें। शरीर को स्थिर रखें, सांस को शांत हो जाने दें, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, सांसों को भी शिथिल छोड़ दें, और अपने दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को अवस्थित करें, यानी वहीं आप ध्यान दें भीतर से, दोनों भावों के बीच देखें भीतर से, वही है तीसरा नेत्र और आज्ञा चक्र, जहां से आप अपने मन को जो आज्ञा देंगे वह उसके लिए तैयार रहेगा। आपको मन कभी परेशान नहीं करेगा, मन आपका अनुसरण करेगा, आप मालिक होंगे, मन आपका मालिक नहीं होगा। आप जो कहेंगे मन को
जहां लगाएंगे वहां उसे 100% लग जाना होगा, वह ध्यान बन जाएगा। अगर 100% माइंड से जो भी काम हम करते हैं, चाहे वह कोई भी काम, तो वह ध्यान बन जाता है। और ध्यान से किए गए कर्म सदा सुंदर फलदायक होते हैं, सुंदर फल देने वाले होते हैं। और ध्यान से जीने में गलतियां नगण्य हो जाती हैं, आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि गलती होने से पहले आपको आज्ञा चक्र से निर्देश आ जाएगा कि यह तुम गलत करने जा रहे हो और आप रुक जाएंगे। तो ये है आज्ञा चक्र का ध्यान। ऐसे हम ध्यान करते हैं और जब यह सिद्ध हो जाता है, यहाँ का चक्र जागृत हो जाता है, तो वो सब हो सकता है जो आप चाहेंगे। तो इसलिए इसका पूरा ख्याल करेंगे। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है क्लैपिंग के साथ हुंकार, ये भी बहुत एनर्जेटिक है मेडिटेशन, इसको भी पूरे ध्यान से करेंगे। इसमें भी आप आंखें बंद ही रखेंगे तो बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं क्लैपिंग के साथ हुंकार साधना। इस समय में भी आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ले आए, दोनों भावों के बीच में भीतर से देखें, आंखें बंद रहेंगी, सांसों का ध्यान करते हुए दोनों भावों में, भावों के बीच में ध्यान को अवस्थित करें, केंद्रित करें और शरीर को शिथिल छोड़ें, सांसों को शांत होने दें। मन तो इस समय है ही नहीं। थोड़ी देर यूं ही बैठे रहें। साक्षी रहे, साक्षी मीन्स गवाह, गवाह। राइट एंगल से अपने को देखें, जैसे कि आप यहां खड़े हैं और अपने शरीर को यहां ध्यान में बैठे हुए देख रहे हैं। आप यहां से देखें, ये इसको कहते हैं राइट एंगल। आप यहां खड़े हैं,
और अपने शरीर को ध्यान में बैठे हुए आप देख रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर बैठा है, आपकी सांसें बिल्कुल शांत हो गई हैं, ये आप देख रहे हैं। सांसें बिल्कुल शांत हो गई हैं और आपका मन भी बिल्कुल शांत हो गया है, यह भी आप देख रहे हैं कि आपके मन में कुछ भी नहीं है, कोई विचार नहीं है इस समय, और आप केवल एक दृष्टा की तरह राइट एंगल से यहां से अपने इस अवस्था को देख रहे हैं। और इस देखने में आप सतत देख रहे हैं, आप जरा भी चूक नहीं रहे हैं, एक क्षण को भी चूक नहीं रहे हैं, सतत आपकी दृष्टि यह देख रही है, देख रही है, देख रही है। और अब आइए हम नाद ब्रह्म ध्यान शुरू करते हैं। नाद ब्रह्म ध्यान पूरा होता है। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, हमें आप पूर्णता से शरीर और मन से स्वस्थ शुद्ध और शांत रखें एवं हमारे विवेक को जागृत करें, हम ज्ञान को उपलब्ध और आपको जान सके। हे प्रभु, हमारा परिवार स्वस्थ शांत और आनंदित हो, हमारा समाज स्वस्थ हो, आनंदित हो, प्रबुद्ध हो, और हमारा पूरा विश्व इस स्वास्थ्यदायी ऊर्जा से ओतप्रोत हो और सभी स्वस्थ हो, सभी के मन शांत हो, कोई झगड़ा झंझट न हो, हर तरफ शांति हो, सभी प्रेम में हो और आनंदित हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम अब आपसे
आप सभी प्यारे संगीत प्रेमियों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों, विदा चाहते हैं। अब हमें आप आज्ञा दें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान इसे साधेंगे और उसका पूरा का पूरा लाभ उठाएंगे। तो आज इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्रेम से, इतने शांति से, इतने धैर्यपूर्वक इस क्लास का आनंद लिया और योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन को साधे और इसका लाभ ले रहे हैं। यह बहुत ही सबके लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसा ही आप प्रत्येक क्लास में इसका आनंद लें और इससे लाभ उठाएं, ऐसी मैं आशा रखता हूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बाय सर। बाय सर।